मोदी सरकार के अधिकार साथियों, आज जो देख रहे हैं आप लोग, देश भर में आज की गवर्नमेंट जो स्टेट में है, सेंटर में है, एक ना एक जन विरोधी पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स का देखो, फार्मर्स का देखो, डॉक्टर्स का देखो, सब जन विरोधी नीतियाँ लेकर आ रहे हैं। एपीएमसी एक्ट ये लोग जो लेकर आ रहे हैं, किसको बोल के, किसको पूछ के, किसका परमिशन लेके ये एक्ट को लेकर आ रहे हैं। किसान लोग मर रहे, जो भी फसल उगा लिया है बारिश की वजह से वो सब डूबते गए हैं। अभी जो फार्मर्स है, जो किसान है, उन लोगों को मरने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। जितना लोन करे वो लोन चुकाने तक पैसा भी नहीं बचा है। ये लोग एपीएमसी एक्ट लाके सारे प्राइवेट फॉरेन कंपनीज को सौंपना चाह रहे हैं। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये लोग भाग रहे गवर्नमेंट। इसके खिलाफ आज नेशन वाइड में फार्मर्स और सभी स्टूडेंट्स, सभी जो भी मजदूर है, इसको सपोर्ट करते हुए हम लोग भी आए हैं। एआईडीएस और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। आज ये प्रोटेस्ट जो रखा गया है, खासकर गरीब किसान के लिए, जो बीजेपी सरकार ने मोबाइल जियो का जो अंबानी है, वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं बीजेपी सरकार। हम सब से ये कर्नाटक गुलबर्ग से जो ये आज रैली निकाले हैं, एहतजाज किए हैं, खासकर गरीब किसानों के लिए, क्योंकि किसान आज इतना भूखा मर रहा है कि फांसी तक लिया जा रहा है। जगह जगह हर गांव में हर किसान फांसी ले रहा है, क्योंकि उनको कुछ सपोर्ट नहीं है बीजेपी सरकार का। और सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ अंबानी जैसे जियो मोबाइल जो कंपनियां, वो लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बरगा में किसानों की तरफ से एक प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी भाग ले रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ का क्लियर स्टैंड है कि जहां पे भी किसानों के साथ जुल्म होता है, उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, किसानों के फेवर में प्रोटेस्ट करना है। आज गुलबर्गा में तमाम किसानों ने मिलकर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, तो हम लोग भी यहाँ पे आकर इस प्रोटेस्ट में शामिल है। लोगों से भी अपील करते हैं कि पीसफुली प्रोटेस्ट में शामिल होकर ये प्रोटेस्ट को कामयाब करें। सर, आप सभी को तो मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट, जो एपीएमसी एक्ट, जो टोटल जो अमेंडमेंट बिल ऑलरेडी पास कर चुके हैं, इसके खिलाफ पूरे देश भर में बहुत बड़े पैमाने पर किसान लोग, मजदूर लोग, नौजवान लोग, स्टूडेंट्स लोग, महिला, सभी लोग पूरे देश भर में रोड पर उतर के आज मूवमेंट कर रहे हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, ये जो टोटल एंटी फार्मर्स के बिल है, ये बिल को टोटली नकार दिया जाए बोल के और इसे वापस लिया जाए बोल के ये मूवमेंट चल रहा है। रईत विरोधी, कार्मिक विरोधी, सरकार इधर ಲೇಬರ್ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರ ಇವರು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ಅಬ್ ಕ್ಯಾ ಹೋಗೋರ ಇವು. ದೇಶ ಅಂದರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗ ರೈತರಿಗೆ, ಜನರಿಗಾಗಿ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೋದಿ ದೃಷ್ಟಿಯಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಅದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು. ಈಗ ರೈತಾಪಿ ಎಲ್ಲ ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಇದು ವಾಪಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. गुलबर्गा शहर के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और कर्नाटका किसान सभा की जानिब से गुलबर्गा बंद का जो ऐलान किया था, गुलबर्गा के पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर आप देख सकते हैं गुलबर्गा शहर नॉर्थ और साउथ पूरा बंद है और गुलबर्गा शहर हर स्ट्राइक में गुलबर्गा शहर के लोग आगे रहते हैं। मैं गुलबर्गा शहर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ऐसे स्ट्राइक, ऐसे बिल के खिलाफ मोदी गवर्नमेंट के आने वाले दिनों में, इससे पहले भी कई मोदी सरकार
सरकार ने इससे खतरनाक बिल ला चुके हैं। इस बार कर्नाटका के हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ जो बिल आया है, ये नहीं बोल हिंदुस्तान में कम से कम 40 करोड़ किसानों का इससे नुकसान होगा। और हिंदुस्तान के जैसा एयरपोर्ट ये लोगों ने प्राइवेट किया है, जैसा रेलवे प्राइवेट कर चुके हैं और गैसकॉम प्राइवेट कर चुके हैं, वैसे ही किसानों की ज़मीन लेकर अपने दोस्तों को अडानी और अंबानी को बेचना चाहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े लेआउट्स बनाकर प्लॉट्स बनाकर बिजनेस करना चाहते हैं। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुलबर्गा शहर के अंदर, कर्नाटक के अंदर, जैसा हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर बड़े बड़े हाईवे बंद कर चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं परसों स्ट्राइक के अंदर, आप देख सकते हैं पूरे नेशनल चैनल पर। तो कर्नाटका में भी मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे लोगों को आगे आना चाहिए, ये किसी एक का मसला नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना दलित का है, यह हिंदुस्तान के किसान का है। जब तक किसान को हम साथ नहीं देंगे तो हम भी जी नहीं सकेंगे। अगर हिंदुस्तान प्राइवेट हो, हर चीज़ प्राइवेट हो गया तो हिंदुस्तान में हुकूमत और सरकार की ज़रूरत नहीं रहेगी, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा और अडानी अंबानी जैसे लोग हिंदुस्तान को रूल करेंगे। किसानों के